हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सर्विस से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने असाइनमेंट अभी सितंबर में सबमिट नहीं की है तो क्या होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, जनवरी 2020 सेशन वाले स्टूडेंट्स को सितंबर 30 सितंबर तक असाइनमेंट सबमिट करनी है। आपके मन में या बहुतों के मन में सवाल तो ये ज़रूर आ ही रही होगी कि यदि अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए तो क्या होगा और क्या करना पड़ेगा। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल इग्नू सर्विस को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर एक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी जनवरी 2020 के स्टूडेंट्स हैं उनको 30 सितंबर तक असाइनमेंट सबमिट करनी है। हो सकता है ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, अक्टूबर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो जैसा नोटिस आएगा वैसे आपको करना होगा। परंतु किसी कारणवश कोई स्टूडेंट्स यदि असाइनमेंट अभी नहीं सबमिट कर पाए, कोई भी रीज़न हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, तो उनको क्या करना होगा, चलिए मैं बताता हूँ। यदि असाइनमेंट अभी नहीं सबमिट कर पाए तो उन वो नेक्स्ट सेशन में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इग्नू में जो भी बैचलर डिग्री के कोर्सेस हैं, जैसे जो भी बीए वगैरह कोर्सेस हैं, उनको इग्नू 5 साल टाइम देती है, उनकी रजिस्ट्रेशन 5 साल वैलिड होती है। तो वैसे स्टूडेंट्स 5 साल के अंदर कभी भी है आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। वो कंडीशन अलग है कि आप अभी करो, नेक्स्ट सेशन में करो, 1 साल बाद करो, एज योर विश आप कभी भी कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना होगा आपको कि असाइनमेंट जब आप सबमिट करोगे उस सेशन के लिए वैलिड होना चाहिए। जैसे अभी जनवरी 2020 के अलग क्वेश्चन पेपर है, नेक्स्ट सेशन के लिए अलग होगी, उसके नेक्स्ट सेशन के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगी। जो अभी जनवरी 2020 वाले स्टूडेंट्स असाइनमेंट बना रहे वो अभी भरी वैलिड है, 30 सितंबर अक्टूबर जो भी है उस अभी ही सबमिट करनी है। आप बोलोगे कि यही असाइनमेंट मार्च में सबमिट हो जाए तो ये नहीं होगी। हो सकता है जो क्वेश्चन पेपर सेम है जनवरी जुलाई 2020 दोनों सेशन के लिए, तो वो असाइनमेंट आपकी सबमिट हो जाएगी, अदरवाइज और असाइनमेंट्स आपकी सबमिट नहीं होगी। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि असाइनमेंट के साथ उसका करंट क्वेश्चन पेपर भी अटैच करना होता है साथ में। और आप जब स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट सबमिट करोगे तो वहाँ टीचर लोग देखते हैं, जो भी आपके असाइनमेंट लेंगे वो देखते हैं क्वेश्चन पेपर है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है। इससे रिलेटेड आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।